जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के पोटरिया गांव में भूत प्रेत के चक्कर में एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर वृद्ध राम बच्चन राजभर को पीट पीट कर मार डाला। मारपीट के दौरान उनको काफी दूर तक निर्वस्त कर सड़क पर घसीटा भी गया। वहीं बचाने पहुंचे बहू बेटी बेटे समेत चार लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। एक को नाजुक हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार घटना बुधवार देर रात की है। ग्राम पंचायत पोटरिया निवासी राम बच्चन राजभर का परिवार लंबे समय से निवास करता है। गांव में लोगों के खेत बटाई पर लेकर वह बच्चे मुंबई में रहकर परिवार की जीविका चलाते हैं। पड़ोस के कुछ लोग काफी दिनों से राम बच्चन राजभर पर भूत प्रेत करने का आरोप लगाते हुए दुश्मनी रख रहे थे। कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दिया था। परिवार के लोगों ने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन दबंगों की पुलिस से अच्छी खासी पकड़ होने की वजह से मामला दब जाता था। परिवार के लोगों का आरोप है कि बुधवार की शाम गांव में रमेश राजभर के बेटे की वर इच्छा थी, जहां पर लोगों ने वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर ली। परिवार वालों का कहना है कि रात 9 बजे के करीब 30 से 35 की संख्या में लाठी डंडे से लैस लोगों ने घर पर हमला कर दिया। दरवाजा खिड़की तोड़कर घर में घुसे सो रहे राम बच्चन को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। दबंग निर्वस्त कर सड़क पर काफी दूर तक घसीट रहे थे। चीख पुकार सुनकर बहू रंगीला, पत्नी सुरेंद्र, बेटी इंदा, बेटे अनिल बचाने पहुंचे तो दबंगों ने उन्हें भी जमकर पीटा। अनिल को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पत्नी सोनवर्षा व परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल तहरीर के बिना पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है।